नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ग्लोबल एटॉमिक नेटवर्क में और टीम वॉरियर टीम में। ठीक है दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एटोमी अलास्का ई ओमेगा 3 के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अलास्का ई ओमेगा 3 के जो कैप्सूल्स होते हैं, ये हार्ट डिजीज में काम आते हैं और ब्लड को प्योरीफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो आज कम्प्लीट डिस्कशन करेंगे हम एटोमी अलास्का ई ओमेगा 3 के बारे में। तो इसके बारे में डिस्कशन करने से पहले मैं इसके कुछ वाइटल पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कशन करना चाहेंगे। ठीक है, कि आपको जो अलास्का ई ओमेगा 3 है वो यूज़ क्यों करना चाहिए। ठीक है, इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव न्यूट्रल लिपिड ए काज ऑफ ब्लड वेसल डैमेज। जैसा कि जो आपका ब्लड होता है उसमें कुछ वेसल्स होती हैं, तो उसमें उन वो डैमेज ना हो पाए आपके ब्लड की जो वेसल्स है, तो उसमें लिपिड का जो होता है एक न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल लिपिड होता है। अगर वो आपका न्यूट्रल लिपिड का लेवल क्या होता है, जैसे गाढ़ापन जो होता है ना, गाढ़ापन इस तरह की एक्टिविटी होती है आपके जो ब्लड में, तो वो जो ब्लड का जो लिपिड है उसका लेवल न्यूट्रल रहेगा, तो उसका जब ब्लड फ्लो होता है आपके वेंस में जितने ब्लड वेसल्स हैं, तो उसको डैमेज नहीं करेगा। अगर आपका ब्लड गाढ़ा हो गया, गाढ़ा होने के बाद वो वेसल्स को डैमेज करता है और हार्ट अटैक, क्रोनिक अटैक आने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। ठीक है, सेकेंड है, इफ़ यू वॉन्ट टू मेंटेन एंड इम्प्रूव योर हेल्थ एंड ए मोर वाइटल लाइफ। अगर आपको अपनी लाइफ अच्छी चाहिए, जो आपके बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो बढ़िया चाहिए और आपकी जो बॉडी है वो अच्छी तरह से काम करती रहे और आपकी जो हेल्थ है वो मेंटेन रहे, तो उसके लिए भी अलास्का ई ओमेगा के कैप्सूल्स हैं वो काफ़ी हेल्पफुल हैं। इफ़ यू वांट ए मोर एक्टिव मेटाबॉलिज्म एंड ब्लड सर्कुलेशन। अगर आप अपनी बॉडी का अच्छा मेटाबॉलिज्म चाहते हैं, जो आपकी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बनी रहे, ठीक है, और आपका जो बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन है वो मेंटेन रहे, तो अलास्का ई ओमेगा 3 का जो कैप्सूल है वो आपको काफ़ी बेनिफिट देगा इसमें। ठीक है, इफ़ यू नीड टू सप्लीमेंट अनसेचुरेटेड फैट। एक फैट होता है सेचुरेटेड और एक होता है अनसेचुरेटेड। जो सेचुरेटेड फैट होता है वो आपकी बॉडी पे जमा हो जाता है, ठीक है, और वो उसके हानिकारक प्रभाव आपकी बॉडी पे जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाएगी, मोटापा होता जाएगा, जो फैट्स जमा होता जाएगा उसके काफ़ी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं और सब लास्ट में हार्ट की डिजीज़ के रूप में तब्दील हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको सेचुरेटेड फैट की बजाय सप्लीमेंट अनसेचुरेटेड फैट यहाँ पे ये अलास्का ई ओमेगा 3 के द्वारा मिलेगा, जो आपकी बॉडी को नुकसान नहीं करेगा। इफ़ यू लैक फिश कंजप्शन, अगर आप मछली नहीं खाते हैं, तो आप जो अलास्का ई ओमेगा 3 का जो कैप्सूल्स है इसको आप ले सकते हैं। ठीक है, मिडिल एज टू एज्ड पीपल हु नीड सर्कुलेशन इम्प्रूवमेंट। जैसे 40 से 50 की उम्र के बाद जो मिडिल एज के इंसान हैं और उनको ब्लड सर्कुलेशन है वो कम हो जाता है, तो उनका जो ब्लड सर्कुलेशन सुचारू रूप से चलता रहे अच्छे तरीके से, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है ये कैप्सूल। ठीक है, ऑफिस वर्कर्स हु कंज्यूम एक्सेसिव सेचुरेटेड फैट ड्यू टू मीट सेंटर्ड ईटिंग एट इवेंट्स। जैसे जो बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफिस में काम करते हैं, वर्कर्स करते हैं, और वो एक्सेसिव सेचुरेटेड फैट लेते हैं। एक्सेसिव सेचुरेटेड फैट का मतलब जैसे बर्गर हो गया, पिज्ज़ा हो गया, फास्ट फूड का सेवन ऑफिस में ज़्यादा होता है, ठीक है, ड्यू टू मीट सेंटर्ड ईटिंग, और नॉन वेज भी काफ़ी खाते हैं, तो उन सब चीज़ों का आपकी बॉडी के ऊपर एक हार्मफुल इफेक्ट होता है, तो उससे बचने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। टीनेजर्स एंड चिल्ड्रंस हु ईट ए लॉट ऑफ फास्ट फूड, और छोटे बच्चे जो कि फास्ट फूड कंजप्शन ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा खाते हैं फास्ट फूड, उनके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा उनके ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करने के लिए। टीनेजर्स एंड स्टूडेंट्स हु स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम सिटिंग ऑन ए डेस्क, जो भी प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, टीनेजर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो काफ़ी टाइम तक अपना जो टाइम है वो सिटिंग में बिताते हैं क्लासरूम्स में, ठीक है, ऑफिसिस में डेस्क के ऊपर सेट बैठे रहते हैं और उनकी एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम वहाँ पे खर्च होती है, तो उसको मेंटेन करने के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल है। बिजी पीपल विद वरीसम वेस्कुलर हेल्थ, जो लोग काफ़ी बिजी होते हैं जिनका हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं रहता, ठीक है, तो वो लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं, उनका बॉडी का जो सिस्टम है वो मेंटेन रहेगा इससे। ठीक है, अब जो अलास्का ई ओमेगा जो है, ठीक है, ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है, तो आपके मन में क्वेश्चन होगा कि ये जो कैप्सूल है वो कहाँ से आता है। तो सबसे पहले ये एक्सट्रैक्टेड जो होता है अलास्का में, ठीक है, अलास्का एक ग्लेशियर है, ठीक है, वहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसके बाद उसको क्विकली प्रोसेस्ड विद ऑयल, ऑयल के साथ उसको क्विकली प्रोसेस किया जाता है, ठीक
ठीक है, उसके बाद स्टोर्ड फ्रेश विद नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स, फिर उसको वहाँ स्टोर किया जाता है, जो नेचुरल ऑक्सीडेंट्स होते हैं उनके साथ स्टोर किया जाता है, फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है बाई ट्रेन के द्वारा, एक्सक्लूसिव रेल रोड के द्वारा, फिर उसको रिफाइंड इन ओहियो, ओहियो यूएसए में है तो वहाँ पे इसको रिफाइंड किया जाता है, ठीक है, फिर उसको क्लीन किया जाता है, क्लीन एरिया अलास्का, ठीक है, फास्ट एंड क्लीन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम एक्सट्रैक्शन इन आईसी अलास्का टू रिफाइनमेंट इन ओहियो यूएसए, तो यूएसओ में ये वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है इसका, ठीक है, फास्ट एंड क्लीन ट्रांसपोर्ट। और उसके बाद इसकी जो बेस्ट क्वालिटी है मैन्युफैक्चर के द्वारा वो आपको यहाँ पे रिसीव होती है, ठीक है। एटोमी अलास्का थ्री इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फिश, ये जो अलास्का ओमेगा थ्री है ये फिश के द्वारा बना होता है, ठीक है। इसमें अलास्का पोलैक, पोलैक नाम की एक फिश होती है जो कि अलास्का ग्लेशियर में पाई जाती है, और जो फिश है ए पोलर फिश इन अलास्का एज द प्राइमरी स्पीसीज एंड इज प्रोड्यूस्ड इन हाई प्योरिटी एट ए हाइजेनिक फैसिलिटी। और ये जो फिश है वहाँ पे प्रोड्यूस होती है, यानी कि वहाँ पे पाई जाती है, किसमें, हाइजेनिक फैसिलिटी का जो एनवायरनमेंट है वहाँ पे वो क्रिएट होता है, तो उसमें वो फिश प्रोड्यूस होती है, और उस फिश के द्वारा ये आपका अलास्का ओमेगा के थ्रू जो कैप्सूल्स हैं वो बनते हैं, ठीक है। तो इसका जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो एटोमी अलास्का कैसे बनता है। सबसे पहले तो इसका एस्टेरिफिकेशन होता है, ठीक है, एस्टेरिफिकेशन सेगमेंटाइजेशन ऑफ द फिश ऑयल ट्राइग्लिसराइड विद इथाइल एस्टर, इथाइल एस्टर के साथ इसका एस्टेरिफिकेशन होता है, एक प्रोसेस होती है जिसके द्वारा इसका प्योरीफाई किया जाता है। फिर उसके बाद फ्रेश रिफाइनमेंट, फ्रेश रिफाइनमेंट का मतलब क्या होता है कि सेपरेशन ऑफ ईपीए एंड डीएचए एंड कंसनट्रेशन फ्रॉम अदर लिपिड, इसका मतलब क्या होता है, ईपीए दोस्तों क्या होता है, इको इको स्पेन एनोनिक बोलते हैं इसको, इको स्पेन स्पेंटो एनोनिक, और डीएचए का मतलब होता है डोको सा हेक्सा एनोइक एसिड। ये ईपीए और डीएचए जो है बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, तो बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन की मात्रा जो डिपेंड करती है ईपीए और डीएचए की वैल्यू के ऊपर, ठीक है, किस तरह से आपके बॉडी में ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ ईपीए एंड डीएचए एंड कंसनट्रेशन फ्रॉम अदर लिपिड, इसके द्वारा इसको सेपरेट किया जाता है, फिर कोल्ड एक्सट्रैक्ट किया जाता है इसको, कोल्ड एक्सट्रैक्शन एंड कंसनट्रेशन ऑफ ओमेगा थ्री, कोल्ड में इसको स्टोर किया जाता है इसको पूरा, फिर वहाँ से इसका मोलिकुलर डिस्टिलेशन होता है, डी डी डीओ डाइजेशन ऑफ फ्रेशी ऑर्डर एंड टेस्ट फॉर ए फ्रेशर ऑयल, ठीक है। तो वहाँ पे इसका निर्माण किया जाता है, उसके बाद फिल्टरिंग होता है इसका, इसमें से ऑर्गेनिक क्लोराइड पोल्यूटेंट जितने भी जो हानिकारक पोल्यूटेंट होते हैं वो यहाँ से निकाले जाते हैं इसमें से, फिर उसके बाद इसको पैक किया जाता है, प्रोडक्ट इज पैक्ड अंडर इनर्ट गैस, जो इनर्ट गैस होती है उनके द्वारा ये उनके अंडर ये पैक किया जाता है ताकि वो ख़राब ना हो, ठीक है। और इसके तीन जो चीज़ें हैं मेनली वो मैं आपको बताता हूँ इसके बाद, इसके जो तीन चीज़ें हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट है हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट, सेकंड है कन्वेंट इनटेक, थर्ड है एसेंशियल हेल्थ फंक्शन फूड। तो पहले के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स, इसमें दो कैप्सूल आप एक दिन में ले सकते हैं 700 मिलीग्राम के, क्लीन एरिया अलास्का ओमेगा थ्री साइंटिफिकली रिफाइंड विद ओवर 65% ईपी एंड डीएचए। तो दोस्तों ये जो ओमेगा का थ्री का जो कैप्सूल है, जितनी भी दूसरी कंपनियां जो बना रही हैं इसमें ईपीए और डीएचए का जो रेशियो है 65% है, जो कि बहुत ज़्यादा है। आपको एक रीजनेबल प्राइस में 65% प्योरीफिकेशन का जो रेशियो है, ईपीए और डीएचए का 65% प्योरीफिकेशन है यहाँ पे, वो आपको मिल रहा है एक रीजनेबल प्राइस में, और बहुत ही इफेक्टिव है। दूसरी चीज़ इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है कन्वेंट इनटेक, 550 मिलीग्राम स्मॉल कैप्सूल साइज कैन मेक स्वेलिंग इजी फॉर एवरीवन, यानी कि जो 550 मिलीग्राम का एक कैप्सूल है उसका साइज होता है 550 मिलीग्राम, तो वो बच्चे भी ले सकते हैं वेरी इजीली, ठीक है। एसेंशियल हेल्थ फंक्शनल फूड, और ये ओमेगा थ्री जो फिश ऑयल में आपकी जो बॉडी है उसका जो हर्ट है उसको हेल्दी बनाने में काम आता है, आपके बॉडी का जो हर्ट है वो मेंटेन रहेगा, और जो रिस्क ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज़ है, जो जितनी भी आपकी जैसे दो दिल का दौरा पड़ना जिसको सिंपल भाषा में हम बोलते हैं कोरोनरी अटैक, हार्ट अटैक, हार्ट डिजीज़ और हार्ट ब्लॉकेज, तो वो सारी चीज़ों से आपको ये बचाएगा, आपके बॉडी का जो फंक्शन है उसको मेंटेन करके रखेगा ब्लड के सर्कुलेशन को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि एटोमिक अलास्का ओमेगा जो है वो हमें क्यों चाहिए, ठीक है। तो हाई क्वालिटी ई पी एंड डी एच ए, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि हाई क्वालिटी ई पी एंड डी एच ए, ई पी ए होता है इको इको स्पेंट एनोइक बोलते हैं इसको, डीएचए का मतलब होता है डोको सा हेक्सा एनोइक एसिड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आती है इसमें, तो
इसके प्रोडक्ट का नाम ये है, और इसमें कंटेंट जो जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक जो डिब्बा आता है उसमें 180 कैप्सूल होते हैं। एक कैप्सूल का होता है 550 मिलीग्राम, यानी कि 99 ग्राम का एक कैप्सूल है, ठीक है। और दो कैप्सूल आप एक साथ ले सकते हैं खाना खाने के बाद, एक दिन में दो कैप्सूल खाना खाने के बाद आप ले सकते हैं। और इसका जो स्टोरेज है वो सनलाइट से आपको दूर रखना है, इसको रूम टेम्परेचर पे आप रख सकते हैं, और बच्चों की पहुंच से दूर रखिए। और जो इसका डेट है वो एक्सपायरी आपको देखना है बैक ऑफ द कंटेनर के ऊपर, ठीक है। इसका एक्सपायरी डेट आपको देखना है बैक ऑफ द कंटेनर। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स है इसके अंदर, ठीक है। और हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या आता है दोस्तों, एक तो विटामिन ई आती है, और एक टर्मरिक ऑयल, ठीक है। टर्मरिक ऑयल जो अदरक है इसका जो ऑयल है वो आता है इसमें, अदरक नहीं सॉरी ये हल्दी, ठीक है। तो इसमें विटामिन ई की मात्रा और टर्मरिक ऑयल की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है, जो कि आपके बॉडी के ऑक्सीडेशन को मेंटेन करके रखती है। सेकंड, साइंटिफिक रिफाइनमेंट के द्वारा हाई प्योरिटी रिफाइनमेंट टेक्नोलॉजी, EPA और DHA का प्योरीफिकेशन 65% है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है और बहुत ही बढ़िया रहता है बॉडी के लिए। और इजी सप्लीमेंट ऑफ EFA, और ये जो ओमेगा के कैप्सूल है वो आप दो कैप्सूल एक दिन में ले सकते हैं कन्वेंट इनटेक, और कोई भी इसको बड़ी आसानी से ले सकता है, बच्चे बूढ़े सब इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि आपकी जो वेन्स हैं, ब्लड वेन्स हैं, उसमें जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसको मेंटेन करके रखता है ये एटोमी अलास्का, ये ओमेगा के जो कैप्सूल्स हैं। हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, टर्मरिक ऑयल और विटामिन ई की मात्रा काफ़ी होती है। साइंटिफिक रिफाइनमेंट के द्वारा 65% EPA DHA होता है इसमें, और इजी सप्लीमेंट ऑफ EPA, ठीक है, और कन्वीनियंट इनटेक, और वेरी इजीली आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे हमें एटोमी अलास्का ई ओमेगा 3 क्यों यूज़ करना चाहिए, तो उसके तीन रीज़न दे रखे हैं, ठीक है। और जो EPA और DHA हैं उसका जो डिफरेंस है वो आपको यहाँ सेंटर में दिखाई दे रहा है, EPA DHA, ठीक है। इस तरह से ये आप इसके पिक्चर्स में देख सकते हैं, और इसका जो शेप है वो भी आप देख सकते हैं कि EPA इस तरह से होता है, DHA इस तरह से होता है, उसका जो प्योरीफिकेशन के बाद का जो है, ठीक है। फिश ऑयल से बना होता है ये, ठीक है। और जो दूसरी कंपनियों के जो कैप्सूल्स हैं वो आप देख सकते हैं, साइज़ में भी डिफरेंस हैं। और इसके जो बेनिफिट हैं, 10 फिश ऑयल के बेनिफिट्स गिना रहा हूँ यहाँ पे मैं आपको। पहला तो रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, आपके बॉडी का जो ब्लड वेसल्स है उसका जो इन्फ्लेमेशन होता है उसको ये कम करता है, जैसा कि सोजन वगैरह हो गया उसको कम करता है। कैंसर प्रिवेशन, जो एंटी कैंसर के काम करता है, ठीक है, जो भी सेल्स होती है उनको दूर रखता है ये। रिड्यूस अल्जाइमर्स रिस्क, अल्जाइमर्स के जो डिजीज है उसको रिस्क को कम करता है। और मेजर डॉक्टर ऑफ आर्टिकुलेंस, जो आपकी हार्ट की जो आर्टी सेल्स होती है, वेंट्री सेल्स होती हैं, कॉरनरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, उन को मेंटेन करता ही है, ठीक है। 11 डू डिप्रेशन, और जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं कुछ लोग उनको उस चीज़ को भी दूर करता है, ठीक है। इम्प्रूवड ASD DSD को इम्प्रूव करता है, और हेयर की जो थिकनेस होती है उसको इम्प्रूव करता है, और स्किन के ऊपर ग्लो आता है, चमक आती है, और हार्ट हेल्थ, और आपका जो हार्ट है उसकी भी हेल्थ अच्छी रहती है इसमें, ठीक है। ये प्रोसेस है, इसके द्वारा ये बनाया जाता है, एस्टेरिफिकेशन, फ्रेश रिफाइनमेंट, कोल्ड एक्सट्रैक्शन, मोलिकुलर डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन, उसके बाद पैकिंग, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ है इसके अंदर विटामिन ई की मात्रा भी होती है, और टर्मरिक भी उसमें ऐड किया जाता है, ठीक है। विटामिन ई के साथ टर्मरिक भी उसमें ऐड किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि सेचुरेटेड फैट VS अनसेचुरेटेड फैट। तो जो ओमेगा कैप्सूल है इसके अंदर आपको अनसेचुरेटेड फैट मिलेगा। अनसेचुरेटेड फैट क्या होता है, उसके क्या फ़ायदे हैं वो देखिए। प्रोटेक्ट द वेन नीड्स टू बी कंज्यूम्ड एक्सट्रीमली ड्यू टू लैक ऑफ इंटरनल सिंथेसिस, लिपिड इन रूम, लिक्विड इन रूम टेम्परेचर, सिजमेन ऑयल, पेरेलिया ऑयल, कैनल ऑयल, ओमेगा 3 ETC, यानी कि जो अनसेचुरेटेड फैट्स होते हैं जिसको बोलते हैं EFA, ठीक है। तो ये आपका जो बॉडी है उसका जो इंटरनल मेटाबॉलिज्म उसको ये मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। और जो अनसेचुरेटेड फैट है उसका आपकी बॉडी के को जो लिक्विड लेवल है उसको मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है, एक तरह से। और जो सेचुरेटेड फैट होते हैं, जैसे एनिमल फैट हो गया, ओवर कंजप्शन इंक्रीज, बैड कोलेस्ट्रॉल और सॉलिड स्टेट रूम टेम्परेचर, जो अनसेचुरेटेड फैट होते हैं वो एनिमल्स में, जो एनिमल फैट हो गया एक तो, दूसरा हो गया आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को बहुत हाई कर देंगे, और रूम टेम्परेचर पे वो गाढ़े हो जाते हैं, जैसे पोर्क फैट,
बटर पाम ऑयल, बटर भी आपका गाढ़ा हो जाएगा। तो इसका कंपैरिजन करके दिखाया कि सेचुरेटेड फैट से बढ़िया अनसेचुरेटेड फैट इसमें पाया जाता है, और अनसेचुरेटेड फैट जो है वो एक तो जमता नहीं, ठीक है, और जो ऑयल है वो उसी फॉर्म में रहेगा वो, ठीक है। तो इस तरीके से कंपेयर करके दिखाया गया ये, और न्यूट्रल फैट के बारे में सेंटर में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए ये काफ़ी हेल्पफुल है। और EHA और DHA क्या करते हैं, हेल्प सपोर्ट ए हेल्दी हार्ट एंड मे रिड्यूस द रिस्क ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। EPA और DHA दूसरा क्या काम करते हैं, दे आर ऑफन सिंथेसाइज फ्रॉम ए लिनोलिक एसिड विद इन द बॉडी। बॉडी के अंदर अपना एक लिनोलिक एसिड है वो बनता है, बट द परसेंटेज ऑफ देम कन्वर्टिंग इनटू DHA एंड EPA इज 10 to 15%। जो बॉडी के अंदर लिनोलिक एसिड बनता है वो उसको DHA और EPA को जो कन्वर्ट है उसका जो परसेंटेज है वो सिर्फ 10 से 15% है फॉर अडल्ट एंड 3 से 6% चिल्ड्रेन है। तो अगर आपकी बॉडी में कोई ऐसी चीज़ डाली जाए जिसका EPA और DHA 65% हो, तो आपके ब्लड को वो कैसे मेंटेन करके रखेगा, तो वो आप सोच सकते हैं, ठीक है। अच्छी तरीके से मेंटेन करके रखेगा। और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड मस्ट बी कंज्यूम थ्रू एन एक्सटर्नल सोर्स, और जितने भी इसमें अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, और जितने भी अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं या अनसेचुरेटेड फैट्स होते हैं, वो आपकी बॉडी में एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा एंट्री करवाई जाती है, जैसा कि ओमेगा 3 के द्वारा, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर, और ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ सारी चीज़ें दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा दोस्तों, और आपको एटोमी अलास्का ई ओमेगा कैप्सूल्स के बारे में सारी जानकारी मैंने यहाँ पे दी है जो भी अवेलेबल थी मेरे पास। तो आप इस प्रोडक्ट को यूज़ करने से पहले अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी है, तो आप अपने डॉक्टर या फिजिशियंस को दिखा करके उनके डॉक्टर की सलाह लेकर के ही आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कीजिए, ठीक है। आप मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो में जस्ट एक मैं इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ कि एटोमी अलास्का ई ओमेगा में ये कंटेंट है, ये इंग्रेडिएंट्स हैं, और इसमें इसका फंक्शन इस प्रकार से होता है, हमारी बॉडी पे इफेक्ट इस प्रकार से होता है। तो आप इसको यूज़ करने से पहले अगर आपको किसी चीज़ की एलर्जी है, तो कृपया करके आप अपने डॉक्टर और फिजिशियन से संपर्क करें, उसके बाद यूज़ करें, विदाउट कंसल्टेशन इसको आपको यूज़ नहीं करना है, ठीक है। और आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी दोस्तों, और इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और एटोमी टीम वॉरियर इंडिया से जुड़ने के लिए आप हमें कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। आपको आपके स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में, ऑल ओवर इंडिया टीम वॉरियर एजुकेशन सिस्टम का पूरा सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।